सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। हम पढ़ रहे थे आपकी कक्षा 9 की कृतिका का पार्ट 1, जिसका नाम है इस जल प्रलय में। तो हम आगे पढ़ रहे हैं इसका भाग 2। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ, यानी एक सप्ताह की मैगजीन एक ही साथ खरीद लूँ। कौन कह रहे हैं? उपन्यासकार, यानी जिसने ये लिखा है। क्या क्या ले लूँ? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। दुकानदार का नाम था कृष्णा और वह लेखक को देखकर मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कहीं हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। कौन? लेखक अपने घर लौटता है बहुत सारी मैगजीन्स लेकर। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर की से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। यानी बता रहे हैं कि गोलंबर है, उसके पास अगर कोई भी आवाज़ 4 बड़े ब्लॉकों में अगर कुछ भी कहा जाए तो वो 4 बड़े ब्लॉक की इमारतों से टकराकर हमारे पास आती है, तो 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। कहा गया है, ऊपर भी कहा गया है कि वो इमारत से टकरा कर 4 बार आवाज़ आती है, तो जब एक बार वो प्रतिध्वनि वो जो बोलते हैं भाइयों, तो उन्हें 4 बार सुनाई देता है। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुँचा कर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे ए सुन मोरे मितवा वा वा य। यानी वो एक रिक्शा चालक है, वो रात को इस गोलंबर के पास में गाना गाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाइए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है, यानी उनकी पत्नी से पूछा कि गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। यानी अब गांव के लोग नहीं समझते हैं, थोड़ी शहरी जो भी वस्तुएं होती उनको, तो बस उसी का डर है अब ख़त्म होने वाला है। गैस के बारे में पूछ रहे हैं। असल में सिलेंडर में मीटर होता है, मीटर ऊटर कहा गया है कि वो अपनी स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं कि मीटर ऊटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरासिन एक ही बोतल, केरासिन यानी केरोसिन फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजते रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों में सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा लिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया, यानी इतने सारे कागज इकट्ठे करके उसने अलाव यानी आग लगा दी और वो कागज़ सुलगने लगे, तो बहुत सारा धुआं कमरे के धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है, पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालीमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। ये पटना की सारी जगहों के बारे में आपके सामने जिक्र किया जा रहा है। लगता है 1-1.5 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं, कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कहीं कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत। यानी अब लेखक को नींद नहीं आ रही, वो सोने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो लेखक सोचता है कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो उस वो अपने आप में सोच रहे हैं कि क्या लिखूं। कविता का शीर्षक होगा बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। अब ऐसा शीर्षक देने के बाद वो अपने आप को बोलता है धत, यानी कि ये शीर्षक अच्छा नहीं है। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेहतरतीब दृश्यों की तरह। नींद नहीं, स्मृतियाँ यानी कि यादें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेखक के दिमाग में। 1947 मनिहारी तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। ये सब लेखक स्मृतियाँ बता रहा है, अपनी यादें आपके साथ अपने साथ में साझा कर रहा है। तो 1947 की वो घटना बता रहा है कि वहाँ पर पूर्णिया इलाका है, वहाँ पर जो स्वर्गीय गुरुजी सतीनाथ भादुड़ी के साथ में लेखक बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालभुजा दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहल कदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान,
ऐसी जगह पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ पर हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच रोटी चीटे से लेकर सांप बिच्छू लोमड़ी सियार तक यहाँ पना ले रहे हैं। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव, यानी पानी में पैर की उंगलियाँ सड़ जाती है उसे पका ही घाव कहते हैं। तलवे में घाव हो जाता है इतने पानी में रहने पर, कि दवा दिया सिलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए, यानी ऐसे बाढ़ के मौक़ों पर हमारे पास ये सारी वस्तुएं रहनी चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पका ही घाव की दवा और दिया सिलाई की मांग होती थी। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारे नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुईं कुईं करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत होकर चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, हमारा कुकुर नहीं आएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। उस नौजवान का वो कुत्ता, उसे उसे बहुत प्रेम था, तो वो बोले थे कुकुर नहीं यानी कुकुर बह नहीं सकता, तो मुझे इसे बचाना है। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं है जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी, मुसहरे की बस्ती जिसे कहा जाता है मुसहरी में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। यानी बाढ़ में कुछ भी आपको खाने पीने का सामान नहीं मिलता है, यही वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत बुरी हालत थी। तो वहाँ पर मछली और चूहों को झुलसाकर खाया जा रहा था। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊँची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है, बलवाही। बलवाही यानी क्या होता है, एक प्रकार का लोक नृत्य है, लोक नृत्य का नाम है बलवाही। नाच हो रहा था, लाल साड़ी पहनकर काल का लुटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धोनी है, घरनी धानी वह धानी है, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह में लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा, धागिड़ दर चकके चकधुम, चकके चकधुम, चकधुम चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसे हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आती है। यह एक बार 1937 में सिमरमनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। अब लेखक अपने उस बारे में बता रहा है कि उसे भोला शास्त्री की हमेशा उस मित्र की याद क्यों आ जाती है। और 1937 के लेखक की घटना बता रहे हैं कि सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, यानी केले की पत्तियां बड़ी बड़ी होती है तो केले की पत्तियों को वो पानी हुआ उन पर बैठकर चल रहे थे। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जंजीर यानी जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। अब लेखक ये दृश्य बता रहा है हम सभी के सामने कि 1967 में पटना में जो बाढ़ आ रखी थी वहाँ पर क्या होता है कि युवक और युवतियों की एक टोली होती है जो फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकलती है एक नाव पर। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे, एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी, शायद एस्प्रेसो कॉफ़ी का नाम होगा। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खेल रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बसते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। मतलब ये नाव का वो सीन बताया जा रहा है कि जहाँ वो युवक युवतियाँ कश्मीर का सा मजा ले रहे थे। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फपतियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सोसा मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिजनेस यानी कि प्रदर्शनवाद, एग्जीबिशन कह सकते हैं, प्रदर्शन करना, तुरंत छूमंतर हो गई। युवतियों के रंगे लाल लाल होंट और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर
था, नैया मोरी मजदार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहेलो है, ऊहू न हो रहेलो है, यानी ये पूरी पटना की भाषा में ये यहाँ पर आपको गीत बताया जा रहा है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया है।